एवरीवन, मैं सीमा अली और आज मैं बताने वाली हूँ कंडोरा विजन के बाद की सावधानियों के बारे में। तो गाइस क्या रहता है, 7 डेज तक के कुछ ज़्यादा ही अपनी आँखों का ख्याल रखना पड़ता है। तो 7 डेज के बाद 1 मंथ के अलग सावधानियाँ होती हैं, उनके बारे में बताऊँगी। तो मेडिसिन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 7 डेज तक के केवल हमें यहाँ से नहाना है, यहाँ से नहीं नहाना है तो हमें केवल कंधे से ही नहाना होता है। क्या रहता है कि कोई भी हमारी आईज़ में शैम्पू पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आईज़ में कुछ परेशानी हो सकती है। गाइस बाहर आ रही आवाज़ों को इग्नोर करिएगा, इसीलिए मुझे आवाज़ बाद में देनी पड़ती है क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। यहाँ का कुछ एरिया ही कुछ इस टाइप का है, तो गाइस इग्नोर करिएगा इन आवाज़ों को। तो इसमें ये कुछ लुब्रिकेंट्स जेल होते हैं जो आईज़ में डालने होते हैं, तो ये केवल 3 डेज के लिए लुब्रिकेंट जेल होते हैं और ये D3 शिप के नेम से होती है जो कैल्शियम के लिए होती है। तो ये पाउच टाइप से होते हैं, तो गाइस मैंने इसको पाउच को ओपन किया तो गाइस देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक थोड़ी सी छोटी सी एक स्ट्रिप्स निकली है। तो इसी को मुंह में लेते ही ये एब्जर्ब हो जाती है, तो ये मुंह में लेते ही बिल्कुल एब्जर्ब हो जाती है और गाइस ये एक आई ड्रॉप है GetDM। तो इसको कंडोरा विजन कराने के केवल 3 डेज तक ही यूज़ करना होता है, आईज़ में डालना होता है, उसके बाद कोई यूज़ नहीं होता है इसका। उसके बाद मेडिसिन को चेंज कर दिया जाता है और एक ये है नार्मल टीयर्स, तो इसको बराबर यूज़ करना होता है, एक दिन में 6 बार इसको आई ड्रॉप को डाला जाता है आईज़ में। तो इसका 3 मंथ तक के यूज़ किया जाएगा बराबर, तो ये दवा बराबर चलती रहेगी। गाइस मैं बता दूं जिस तरीके से ये महंगा ट्रीटमेंट है उसी तरीके से ये आई ड्रॉप वगैरह सब काफ़ी महंगे हैं। एक एक ड्रॉप इसका 550 रुपये, 450 रुपये, इस टाइप के ड्रॉप हैं। इसके साथ ही मुझको ये पूरा किट मिला था, देख सकते हैं। और उसके लिए क्या रहता है कि ये कुछ टिश्यूज होते हैं जो दिए जाते हैं, साथ में आँखों को साफ किया जाता है। इसके अलावा कोई चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता, ना कोई टॉवल का ना कुछ। अगर ये ना अवेलेबल हो तो आप कॉटन को लेकर के भी थोड़ा सा बॉइल करके उससे अपनी आईज़ को साफ कर सकते हैं। तो गाइस ये तो रह गई विटामिन्स के, इसके साथ में ये अलग से विटामिन्स की टेबलेट मिली हैं, कैप्सूल टाइप के ये विटामिन्स के मिले हैं। तो ये इनर गोज के नेम से हैं, तो इसको डेली नाश्ते के बाद लेना ज़रूरी होता है कि आईज में कोई भी टाइप का शैम्पू पानी वगैरह ना जाने पाए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस कोई भी फेशियल वगैरह या कोई क्रीम वगैरह का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। 3 डेज के बाद मेडिसिन चेंज कर दी जाती हैं, जो कि ये अलग मेडिसिन हैं साइक्लेसिस और ये नार्मो टीयर्स, तो को इसको परमानेंट डालना ही डालना है। तो गाइस साइक्लेसिस जो ये आई ड्रॉप है तो इसकी बनावट कुछ इस टाइप से होती है, गाइस हमें बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि इसके आगे का ये हिस्सा बड़ा चपटा टाइप से बना हुआ है। तो इसको जब डाला जाता है तो आईज़ को इसमें इस तरीके से इसे सेट किया जाता है, इसके ऊपर आईज़ को इस तरीके से सेट किया जाता है बिल्कुल। और बीच का जो ये ब्लू दिख रहा है गाइस आप देख सकते हैं, तो ये इसी के ऊपर अपनी आईज़ को बिल्कुल सेट किया जाता है। तो शुरू में तो काफ़ी परेशानी मुझे लग रही थी कि मैं नहीं इसे डाल पाऊँगी, मैं इसको दूसरे ड्रॉप में चेंज कर लूँ, लेकिन नहीं, इससे कुछ गलत भी हो सकता था। जो ड्रॉप जिस पर्पस से जिस तरीके से बना है उसको उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो इसको आग के ऊपर इसको बिल्कुल इस तरीके से सेट करना होता है और कॉर्निया पर ही जो ड्रॉप है कॉर्निया पर ही पड़ना चाहिए। तो मैं केवल अपने आप ही इसको यूज़ कर पाती हूँ, आई ड्रॉप और मेडिसिन वगैरह ली जाती हैं जो केवल अभी 1-2 महीने तक ही चलेंगे, उसके बाद ही बंद हो जाएंगे। उसके बाद कि क्या जब धूप में आप निकलें तो सनग्लासेस का यूज़ करें, आँखों पे डायरेक्ट कोई रेज वगैरह नहीं पड़नी चाहिए और बाहर जाते टाइम आप सनग्लासेस का यूज़ करें, डायरेक्ट सनलाइट में ना आए, उसमें थोड़ा सा ये केयर करनी पड़ेगी जिससे हमारी आईज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो परमानेंट। आईज़ में इस तरीके से शुरू में कुछ दिनों तक इस तरीके से केयर करने से आईज़ की केयर हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हार्मफुल हो सकती हैं, इसीलिए आप सनग्लासेस का ज़रूर यूज़ करें शुरू के कुछ मंथ में। और गाइस मैं बता दूं मैं इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आती रहूँगी।
तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।